हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। ओ आज ए फ्राइडे एंड फ्राइडे में जैसे आप सबको पता है ऑलरेडी, मैं अपने ब्लॉग में आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं फ्राइडे का मेरा फास्टिंग रहता है। सो अभी थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों टाइम ही फास्ट करती हूँ। सो टू डेज फास्टिंग, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस कि मुझे कुछ नहीं खाना है, बस ऐसे ब्रेकफास्ट। अभी क्या होता है ना, ऐसे मुझे बहुत लंबा टाइम तक ये सब चीज़ें, मतलब आदमी सोचता है कि कुछ टाइम तक करें, बहुत लंबा टाइम तक। सो क्या होता है ना, इसमें दिन में कुछ, मतलब सुबह कुछ खाती नहीं हूँ तो मतलब एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो मुझे तो लंबा प्रोसेस करना है। एंड वो बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति में ही सब कुछ होता है। ये खाने पीने ये सब तो हम लोग सोचते हैं, बट भगवान, किस भगवान जी ने कहा है? भगवान जी ने तो ये कहा है कि आप श्रद्धा से पूजा करें। तो भगवान जो बोलते हैं ना, अगर फूल नहीं है तो वो पत्ते से भी खुश हो जाते हैं, तो वही सब चीज़ें। तो आज मैंने सुबह तो नहीं, अभी बहुत टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। पता नहीं क्यों, किसी किसी दिन ऐसा होता है ना, कुछ ना करो, कुछ करने का मन नहीं होता है। एंड कल रात को मैंने आइसक्रीम खा ली थी, शायद 1 बज रहा था, आइसक्रीम खा ली थी। तो थोड़ा सा क्या हो गया था कि मुझे सुबह जब उठी ना, आंखें इतनी छोटी छोटी हो गई थी, मैं तो उठी ही नहीं। जब मेरे हाउस हेल्पर आई ना, तो तब तो मैं उठी भी नहीं, सिर्फ दया उठे एंड उसको डोर वगैरह ओपन किया, फिर वो अपना काम करके चली गई। फिर मुझे दया ने उठाया, 9:30 बजे में उठी दया ने मुझे उठाया, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब आंखें इतनी छोटी छोटी हो गई थी मेरी। बस उठ के चाय बनाई, थोड़ा सा चाय पिया, थोड़ा फिर भी रिलैक्स नहीं लगा। तो सानवी उतने टाइम में उठ गई, तो सानवी को नहलाना धोना ये सब आप समझ सकते हैं कि मतलब डेली रूटीन ये सब चीज़ें उसका करना। फिर उसको मैंने उठते ही मैं उसका मिल्क दे देती हूँ, फिर उसके बाद ब्रशिंग वगैरह सब चीज़ें करा के फिर मैंने उसको थोड़ा सा खाना खिला दिया। एंड उसके बाद मैंने हम अभी पूजा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो जैसे फैमिली में किसी का बेबी हुआ है, सो हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 10 डेज ऐसे कुछ मानते हैं, तो ऐसे मेरा वो हो गया। एंड अभी जैसे मैंने केक बना दिया और ये आ गई, ये मेरी सानवी बेबी। आ जाओ ऊपर, आ जाओ इधर, आओ स्टैंड अप, स्टैंड अप इधर आओ, ऊपर आओ। सो सानवी बेबी बिल्कुल आजकल मेरी बात नहीं सुन रही है, आ रही हूँ बस, ओके वेट। सो सानवी बेबी का टीवी वो ऐड आ गया होगा, तो वो स्किप ऐड करने के लिए बोल रही है। फ़ोन से तो कर लेती है, बट टीवी में इतना कर नहीं पाती क्योंकि रिमोट्स में वो स्क्रोल डाउन करके वो करना होता है ना, तो वो नहीं कर पाती है। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं आप सबको बता दूंगी, मैंने ब्रेकफास्ट में ऐसे ही मैंने वो थोड़ा सा मैदा वैदा डाल के, मतलब मैं बना दी हूँ केक, मतलब प्रेशर कुकर में ही बनाई हूँ। मतलब आज जैसे दया बोल रहे थे कि माइक्रोवेव पड़ा है, ब्रिटन पड़ा है, उसमें कर लो, लेकिन क्या सोचती हूँ ना कि उसको कौन प्री हीट करेगा, उसका मोल्ड निकालेगा, ये सब चीज़ें कुकर में डायरेक्ट ही बना लो। तो मतलब 2 बार मैंने बनाया आने के बाद, तो कुकर में ही बना रही हूँ, उनसे डांट खा रही हूँ कि यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। बस मैं गर्म करने के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ बस, और मैंने ब्रिटन तो यूज़ ही नहीं किया, तो बताइए। तो करूँगी बहुत जल्दी सब चीज़ें ओपन, मतलब यूज़ करूँगी, ओपन नहीं यूज़ करूँगी। तो चलिए मैंने बना दिया है कुकर में, तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। तो सानवी ने तो वो अपना वो ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो लेकिन फिर भी केक थोड़ा सा दूँगी, उसको केक बहुत पसंद है तो वो दे दूँगी। एंड ये बैंगल्स कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? कल मैं गई थी अपने मतलब सोसाइटी के बाहर, थर्सडे मार्केट होता है, तो वो छोटा सा मार्केट है ऐसे ही, तो वहाँ से मैंने, मेरे और मेरी फ्रेंड ने ये बैंगल्स लिया था। मुझे इस कांच की ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस कलेक्शन की, तो मैंने ये लिया है। अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा? सो मुझे इस टाइप की मतलब कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है, सिंपल होता है एंड हाथ भी बड़ा बड़ा रहता है, एक पहन लो तो अच्छा लगता है, एक हाथ में ये एक हाथ में वॉच पहन लो बस हो गया, मतलब रेडी। तो ये सब चीज़ें ना आप किसके साथ भी कैरी कर सकते हैं, मतलब सलवार हो गया, जीन्स हो गया, वेस्टर्न हो गई, तो चलो साड़ी में भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी में भी अच्छा लगता है, इतना मतलब मोटा मोटा है ना तो अच्छा लगता है।
तो मेरे हाथ में कैसे लग रही है बताइएगा, और इसको इग्नोर कीजिएगा, ये तो मुझे चोट लग गई थी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो ब्लॉग आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबके साथ शेयर करना तो बनता है फ्रेंड्स। शेयर करेंगे तभी तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी होगी, एंड उसके बाद नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा मत जाइएगा मत जाइएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिएगा, एंड उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नोटिफिकेशन डालूं, बेबी बोल दो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप सबको सुनाई दिया होगा टू मम्मीज चैनल, ये भी मैंडेटरी है, तो मम्मी चैनल को ही करना है। मम्मी का चैनल क्या है? डीपीस लाइव कैप्चर। हाय सानवी बेबी, हेलो 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 प्रिंसेस। तो सानवी बेबी ने अपना हेयर वॉश किया है आज, तो ये देखिए मैंने कैसे लगा दिया है उसको। आज इसके ऊपर सुबह चाय गिरते गिरते बची, क्योंकि दया ने मुझे चाय दिया था नहा के आने के बाद, फिर मैंने ऐसे ही क्रॉकर यूनिट के ऊपर रख दिया था, तो उसने रिमोट लाने के लिए ढूंढा, तो वो चाय उसके ऊपर गिरी नहीं, बस थोड़ा सा ही शर्ट पे आ गई, तो गिरते गिरते बची, गर्म चाय था। आ जाओ सनवी, डू लाइक बोल दी, आ जाओ इधर इधर आ जाओ ऊपर इधर आ कैमरा में आ जाओ। उफो उसको नहीं आना है, उफो इतनी नखरे दिखाती है मेरी ड्रामा क्वीन है। तो चलिए इस ड्रामा क्वीन की अभी काम, मतलब ये थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट तो हो गया है, उसका लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी। आजकल क्या हो रहा है, सानवी के लिए थोड़ा सा अलग, हमारे लिए थोड़ा सा अलग बन रहा है, क्योंकि सब चीज़ें चेंजेस है ना, तो मतलब समझ सकते हैं आप, मैं बहुत स्वेट हो रहा है मुझे, तो गर्मी तो फ्रेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट लगता है, मतलब क्या बोलूँ, घर में इतना गर्मी नहीं लगता है जितना बाहर, मतलब बहुत लगता है। कल शाम को हम लोग गए थे, फिर भी इतना पसीना आ रहा था, मतलब मार्केट में मैंने कुछ लाने का सोचा नहीं था, फिर भी एक बैग तो आ ही गया, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ बिग बास्केट से, एंड कंट्री डिलाइट एक ऐप है, लोकल ऐप है मे भी, तो उसमें कर लेती हूँ, एंड कभी नीडेड होता है तो पास के कॉमर्शियल से ले आते हैं। फिर भी क्या होता है ना, जब भी जाते हैं शॉपिंग के लिए तो कुछ ना कुछ तो मनी हो ही जाता है। तो चलिए हम बाद में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स ये देखिए घर की हालत पूरी ख़राब हो रखी है सानवी की वजह से। ये देखिए सानवी बेबी को, हेलो पिकअप। सो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और आज बहुत गर्मी है, तो एसी चला के रखी हूँ, मतलब हॉल का एसी लगा के रखा है, बहुत गर्मी है। और ये देखिए फिर से करंट चला गया, मतलब आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी बार लाइट आ चुकी है जा चुकी है, और मेरा लंच भी बहुत लेट प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि आज पता नहीं सब काम लेट लेट ही क्यों हो रहा है, और लाइट आ रही है जा रही है आ रही है, बहुत परेशानी कर रही है। और ये देखिए मैंने केक बनाया था, तो ब्रेकफास्ट में वो थोड़ा सा खा लिया था केक, और अभी भी थोड़ा सा खा रही हूँ, आ गई लाइट, तो प्रेशर कुकर में ही बना दिया था, तो वैसे तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्रेशर कुकर वाला, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है ना, थोड़ा सा खा के काम कर रही हूँ, और तो बिना प्याज लहसुन का आज बना रही हूँ, तो गोभी आलू बना दूंगी सब्जी। सानवी को मैंने उसका लंच खिला दिया है, क्योंकि उसको ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, उसको मैंने खिला दिया है बस राइस दाल और बॉयल आलू को मैश करके भरता बना के उसको खिला दिया था,
बस और कुछ नहीं। वो मुझे काम करने नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। तो इतने में मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, बस वही चीज़ें काम हो रहा है। और मेरे कपड़े भी धोने को रखे हैं, बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स। मतलब बताऊँगी ना पूरा दिन निकल जाएंगे लेकिन काम फिनिश नहीं होगा। बहुत बातें कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ। आजकल मैंने सब चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ पे रख दी है मैं, मतलब समेटने को सोचती हूँ तो टाइम बिल्कुल नहीं हो पाती है। लेकिन सोच रही हूँ कि सैटरडे संडे कुछ अरेंज कर लूँ चीज़ें वगैरह। तो आज बनाने वाली हूँ मैं गोभी। ये रहा गोभी और आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है बस, और गोभी आलू का सब्ज़ी, उसके साथ ज़ीरा राइस बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि विदाउट अनियन गार्लिक में है और हर टाइम भी सिंपल सा खाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, सच में बताऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बनाऊँ तो अच्छा लगेगा, तो वही आज बना रही हूँ। और रात का देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले लंच बना लो, दया भाई बोले थे लेट में लंच करेंगे, उनका उस मीटिंग है, तो उतने टाइम में मैं अपना खाना बना लो। तो चलिए बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी, गोभी बिना प्याज लहसुन वाली। जैसे अदरक लहसुन डालते हैं तो बहुत सारे आइडिया आ जाती है कि ये बनाना है, इस टाइप का बनाना है, उस टाइप का बनाना है, लेकिन जब बारी आती है बिना प्याज लहसुन की, विदाउट अनियन गार्लिक की, तो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जैसे आप सब आगे ब्लॉग में बहुत सारे बिना प्याज लहसुन की सब्जी को देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब ऐसे होता है, एक मिनट, क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी हमारे यहाँ बहुत फास्टिंग होता है, सो हम लोग फास्टिंग में बिना प्याज लहसुन की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगी मैं, तो मेरे ब्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा फ्रेंड्स, और आगे भी ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएगी। और ये देखिए ये कुछ पेस्ट बनाया है मैंने, तो इसी पेस्ट को थोड़ा सा जीरा डाल दिया था तेल में, और इसी पेस्ट को मैं डाल दूँगी। चिमनी ऑन कर लेंगे, नहीं तो लाइट बार बार जा रही है भाई, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसमें मैंने पैक कर दिया है सारे केक को। यहाँ भी जीरा राइस बिठा दिया है, जीरा राइस अभी इसका बॉईल आ गया है, तो अभी मैं कुकर दे दूंगी सिटी, एक सिटी या दो सिटी से हो जाएगा, हाई फ्लेम में दे रहे हैं तो दो सिटी एंड थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में है तो दो से एक सीटी भी काफ़ी हो जाएगा। क्या हो गया क्या चाहिए, क्या काकी? क्यों काकी बताओ, क्यों काकी? क्यों काकी क्यों? हेलो बोल दो, जू ऐसे देखो, बोल ऐसे देखो, बोलो डू लाइक शेयर and subscribe to mummy channel. So do like, share, and subscribe. Strong.
सब कुछ हो चुका है और मैड भी आई थी, उसने अपना काम करके वो चली गई। अभी हो रहा है 5, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कुछ काम है नहीं और मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों तबीयत सही नहीं लग रही है। सो चलती हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow.